हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एसटी मिश्रा पुखराया ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं अब कल से थोड़ा सा बेटर हूँ। और अपने मतलब मैंने ना मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी, सिर्फ मैं घरेलू के उपाय से सिर्फ अब थोड़ा सा आराम है। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी सी बातें भी करनी थी कि कल, पता है, कल मेरे 3 मतलब सब्सक्राइबर काफ़ी अन हो गए थे, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो जब मेरे अन होते हैं तो मेरा चेहरा देख के ये समझ जाते हैं कि कुछ मतलब सब्सक्राइब इनके अन हो गए। तो मैं कल बैठी थी तो ये मतलब तहसील से आए तो मेरा चेहरा उतरा उतम। और पता है फ्रेंड्स, मेरे जब अन हो जाते हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मेरा मुंह लटक जाता है। और जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही खुशी होती है। जब एक भी सब्सक्राइबर अन हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। मेरा एक नहीं, मेरी मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक दिन में 5 अन हो गए थे। तो मुझे इतना मतलब ख़राब लगा और मेरा चेहरा देख के ये आए तहसील से, बोले अन हो गए। मैंने कहा हाँ। मैंने बोले तुम तो पागल हो जाओगी वीडियो के चक्कर में। और मेरा भी मन नहीं फिर लगा काम करने में, मेरा अन हो गया यार। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने में फ्रेंड्स, और जब अन हो जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे जरूर सफल होंगे, मैंने यही सोचा है। तो अन क्यों हो गए मुझे ये नहीं पता है कि मतलब एक साथ एक हो जाता, दो हो जाता, एक साथ 5-5 अन एकदम से, तो काफ़ी थोड़ा सा दुख होता है। तो फ्रेंड्स, गर्मी काफ़ी हो रखी है और किचन का करते हैं अपना काम शुरू। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। जो भी भाई बहन चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच जाए। तो चलो चलते हैं अपना किचन का काम करते हैं, वही डेली वाला रूटीन। मेरी पूजा पाठ सारी हो चुकी है सुबह की। सो फ्रेंड्स, गर्मी काफ़ी हो रखी है तो चलो चलते हैं किचन का काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मुझे बनानी थी आज मटर की चाट। तो मटर की चाट बनाने के लिए मटर मैंने बॉईल करके रख लिया था। इसमें ना थोड़े से काले वाले चने भी मिक्स थे तो मैंने निकाले नहीं थे, इसी में बॉईल करके रख लिए थे। तो इस मतलब मटर उसके चने की वजह से थोड़ा सा कलर इसका काफ़ी वैसा हो गया था, काला काला। तो यहाँ पर मैंने हींग और जीरा ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा गाड़ी की आवाज़ आती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ पे हींग अच्छी मात्रा में डालनी है और मटर है तो मटर से पेट में दर्द भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हींग मैंने अच्छे से डाल दी थी और यहाँ पे प्याज और मिर्च कट करके रखी हुई थी तो इसको भी डाल दिया है। अब इसको हम भून मतलब प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज करने तक भूनेंगे। और यहाँ पे एक टमाटर कट करके रखा था, मैंने इसकी क्लियर रेसिपी नहीं दिखाई है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा दिया आपको। और सभी को बनानी आती है तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक टमाटर कट करके डाल दिया था और ये गला हुआ टमाटर था, बहुत ही अच्छा था, मतलब बिल्कुल पका हुआ था। तो यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है तो टमाटर हमारा काफ़ी अच्छे से, और नमक हमें थोड़ा सा ही ऐड किया है क्योंकि हमारे जो मतलब मटर था तो उसमें मैंने पहले से ही जब बॉईल किया था तो मैंने उसमें नमक और सोडा डाल के बॉईल किया था तो उसमें नमक आ गया होगा। सो फ्रेंड, इसके बाद मैंने इस ना थोड़ा सा मतलब सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए थे। इसके बाद हमें ये गुड़ मतलब डाला था ताकि हमारी जो मटर की चाट है उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आए। तो इससे ना गुड़ से थोड़ी सी मीठी मीठी हो जाती है। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे या आप किसी खटाई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को हम मतलब पूरी तरह से, यहाँ पे देखो हमारा गुड़ अच्छी तरीके से घुल चुका है। तो हमें स्लो फ्लेम पे इसको गुड़ को घोरना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा घुल चुका है गुड़ अच्छे से और यहाँ पे डाल दी हमने मटर की चाट। और यहाँ पे एक ऐड कर देंगे नींबू, और नींबू पता नहीं कैसा था, इसमें रसा वगैरह ज़्यादा नहीं निकल रहा था, सूखा सूखा था। तो आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं नींबू की जगह, जो आपको सही लगे। और फ्रेंड्स, इसमें आप बाद में मतलब प्याज वगैरह कट करके डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो इसका टेस्ट ना हम लोगों ने खाया था तो काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब अच्छी थी खाने में। तो इसमें काले वाले चने भी थे तो उसका भी स्वाद था और मटर का भी मतलब स्वाद था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था टेस्ट इसका। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमारी मटर की चाट बन चुकी थी। तो यहाँ पे मतलब इन्हें चाहिए थी लस्सी, तो ये बोले थे हमें लस्सी के साथ ही हमें चाट खानी है, अपना अपना मतलब
खाने का तरीका है। तो यहाँ पे चींटी सी मुझे लग रही थी, चीनी में थी तो गिर गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चीनी डाल दी थी और दही मैंने पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से फेंट लिया था और यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। तो चीनी को हम अच्छे तरीके से घोल लेंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम था, वही 9:30 का शायद, नहीं 9:30 ऐसे ही था। तो यहाँ पे चीनी घोल ली है, काफ़ इस तरीके से हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऐसे करने से काफ़ी मतलब लस्सी में जो स्वाद होता है उसका काफ़ी अच्छे से आता है। तो ये दही था, तो दही का जो मतलब नहीं कुछ मलाई टाइप में हो जा इस तरीके से हो जाती है, तो इससे अच्छा लगता है पीने में। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब लस्सी है वो घुल चुकी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और ये इस तरीके से हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम सबके ग्लास में डाल देंगे, और सबके नहीं मतलब हमें पीनी थी, इन्हें पीनी थी, हैप्पी को पीनी थी, और जो मेरे पापा आए थे बाद में तो वो तो पीते हैं चाय, उन्हें लस्सी वगैरह नहीं पसंद है। और यहाँ पे डाल दिया था थोड़ा सा रुआबजा, इन्हें मतलब रुआबजा हम नहीं पीते हैं, इनके ग्लास में ही डाला था, इन्हें ज़्यादा पसंद है और हम लोग सिर्फ सादा लस्सी पीते हैं। इसके बाद फ्रेंड लस्सी वस्सी पीने के बाद यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हो गए थे इस्त्री करने के लिए, आप देख रहे हैं, और मैंने वॉश करके सिर्फ ऐसे ही कुर्सी में रख दिए थे और इनको प्रे मतलब नहीं किया था प्रेस वगैरह। तो गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी तो मैंने लगा लिया था पंखा, तो पंखे मतलब पंखे में बैठे बैठे प्रेस कर लूँगी तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। और कमरे में ज़्यादा ही गर्मी लगती है, हवा वगैरह कुछ नहीं आती है अंदर, और धूप भी निकल आई थी काफ़ी तेज़। तो ऊपर है तो ऊपर तपता है मेरा, मतलब काफ़ी ऊपर है तो ऊपर धूप रहती है तो तपता है, नीचे ठंडाता है। तो यहाँ पे लगा लिए थी प्रेस और कर लेंगे कपड़ों में। सो फ्रेंड इसके बाद हमारी यहाँ पे प्रेस हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो कितने कपड़े हो गए थे प्रेस करने के लिए। और हमारे कुर्ते वगैरह भी थे, कुर्तियाँ थी, तो सभी में मुझे करना था, तो यहाँ पर मैंने कर ली है। तो मैं ना घर पर ही करती हूँ, मैं मतलब बाहर नहीं भिजवाती हूँ प्रेस वगैरह के लिए, मैं घर में ही ज़्यादातर अपने काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी साड़ी वगैरह भी थी उसमें भी कर ली थी, और इसमें इनके कपड़े थे उसमें भी हो गए थे। हैप्पी के बच्चे थे तो हैप्पी के करेंगे नेक्स्ट डे, काफ़ी लाइट भी चली गई थी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स सारा काम फिनिश हो गया है, आपने देखा मैंने क्या क्या लंच में बनाया, क्या सुबह के नाश्ते में बनाया, सब कुछ मैंने शेयर किया है। अभी हैप्पी के बालों में ऑयल डालेंगे, इनके बालों में अभी नहीं पड़ा है, नहा चुकी थी सुबह से। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और जून का महीना लास्ट मतलब ख़त्म ही होने वाला है। दिखाओ हैप्पी अपनी बॉटल दिखा रही हैं, ये हम इनकी लेके आए थे कानपुर से, इनका बेबी जॉनसन्स ऑयल, बेबी जॉनसन्स शैम्पू, सारा कुछ लेके आए थे, इनके बाल तब भी नहीं सही हो रहे। सो फ्रेंड्स वीडियो का एंड यहीं पे करना है, तो नहीं तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब डेली 1-1.5 बजे के टाइम लाइव आया करूंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट है, मेरी लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, और जो भी आप सवाल जवाब पूछें मैं आपका आंसर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा ज़रूर, और जो भी चैनल पर न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।